यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सेक्टर 21 में पिस्तौल के दम पर एक व्यापारी से 5,50,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी देर रात अपने घर लौट रहा था तो बदमाशों ने व्यापारी को घर से बाहर ही रोक लिया और 5,50,000 रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इसी दौरान व्यापारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। व्यापारी का शोर सुनकर व्यापारी की पत्नी घर से बाहर आई तो बदमाशों ने महिला पर फायरिंग कर दी। फायर तो मिस हो गई लेकिन बंदूक की आवाज सुनकर महिला घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सामान लेकर गाड़ी से मैं निकला तो दो लड़के एक मोटरसाइकिल पर, एक ने पिस्टल ली हुई मेरे पे तान दी और बैग मेरे से छीन लिए। और मेरी वाइफ सामने से आ रही थी, उसको उस जब चिल्लाई तो उसको धक्का दिया और उस पर गोली चलाई जिससे वो जख्मी हुई हुई है। ये मंजीत सिंह जी हैं, कोठी नंबर 551 के रहने वाले। इनके एक नंबर में शॉप है इंडिका स्टायर वायर के नाम से। ये आज रूटीन में हर रोज़ की तरह घर पे आए थे। जैसे घर के गेट पर आके इन्होंने अपनी मिसिज को कहा कि आप सामान लेके चलो, उनको बुलाया, गेट से उतरे, इतनी देर में दो लड़के आए गेट बाइक पर और इनसे इनका जो बैग, इसमें करीब 5,00,000 रुपये कैश था, वो छीन के भागे। इनकी जैसे मिसेज ने पकड़ने की कोशिश की तो उसके ऊपर उन्होंने फायर किया। बाकी पूछताछ जांच जारी है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही गिरफ्तार किया जाए।